इलास्टिक कोलिजन इन 1D के अंदर सपोज करो आपके पास एक मास m1 है और m2 है मूविंग विद u1 u2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2। मेरे को दो ही चीज़ें आती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D में, एक मोमेंटम कंजर्वेशन एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 m2 u2, कोलिजन के बाद मोमेंटम m1 v1 m2 v2 की वैल्यू विल रिमेन सेम। और यहां से मैं ऐसा भी कर सकता हूं m1 को m1 वाली टर्म को कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा u1 माइनस v1, और यहां से m2 वाली टर्म को कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा v2 माइनस u2। और दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है, यानी कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है। यहां से भी हाफ m1 को कॉमन निकाल लेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर या v1 स्क्वायर, और हाफ m2 कॉमन आएगा तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिकली, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बता देता हूं आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। आपको ये गिवन होगा किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक बॉल, मान लो 2 kg की बॉल है और मूविंग विथ 10 m/s, तो 10 m/s क्या है u1। एक बॉल है 1 kg मूविंग विथ u2 इज इक्वल टू कितना 2 m/s। तो आपको ये बताना है कि आफ्टर कोलिजन, कौन सी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टक्कर होने के बाद v1 की वैल्यू क्या होगी एंड v2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन आएंगे, टक्कर से पहले वेलोसिटी देगा, टक्कर के बाद वेलोसिटी पूछेगा। आज की डेट में मेरे को दो ही चीज़ें आती हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इक्वेशन क्या लगेगी 2 × 10 इसका मोमेंटम है, फिर 1 × 2 उसका मोमेंटम है, इज इक्वल टू 2 × v1 इसका मोमेंटम है फाइनल, और 1 × v2 इसका मोमेंटम है फाइनल। तो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, दो वेरिएबल्स हैं v1 v2। दूसरी एक और इक्वेशन आती है मुझे एनर्जी की, हाफ इंटू 2 × 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 × 2 का स्क्वायर, इसमें हाफ इंटू 2 × v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 × v2 का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कायदे से तो मेरे को अगर ये बताना हो कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर करना क्या है तो खत्म हो गया, ये बस यही करना है आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन में v1 v2 की वैल्यूज निकालनी होती है, ये बात खत्म हो गई। लेकिन इसको सॉल्व करने में आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आप v1 में से v2 एलिमिनेट करोगे, फिर क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इसको छोटा किया गया फॉर्मूला बना के। तब हम क्या बनाने जा रहे हैं, v1 और v2 का एक ईजी फॉर्मूला, कि बस वैल्यू पुट कर दें m1 की u1 की m2 की u2 की और फटाफट से क्या आ जाए v1 v2 आ जाए, ये फॉर्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अगर पेपर में आ जाए कि इलास्टिक कोलिजन में फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन, तो पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप मोमेंटम कंजर्वेशन की ये इक्वेशन लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे और यहां से सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करेंगे। तो 2 और 1 को डिवाइड किया तो ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, हाफ m1 m2 हाफ m2 m2 ये कैंसल, a² - b² क्या आएगा u1 - v1 और u1 + v1 जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u1 + v1, ऐसी a² - b² यहां पर क्या बचेगा v2 + u2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब आप एक काम करें, आप प्लीज अपने रफ कॉपी में ओपन करें, रफ कॉपी में एक तो आप ये इक्वेशन नंबर 1 लिखें, बताऊंगा क्यों, आप इक्वेशन नंबर 1 लिखें, ठीक, ये कहां से है ये तो आपको पता ही है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, डाल लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक,
इक्वेशन नंबर वन के बाद इक्वेशन नंबर ये थ्री लिखें, ये सेम इक्वेशन जो डिवाइड करने के बाद आई, इक्वेशन नंबर थ्री लिखें, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक, समझ में आ रहा है कहाँ कैसे आ रही हैं? मोमेंटम से आ रही है, एनर्जी से आ रही हैं, इक्वेशन वन एंड थ्री, भाई संभाल के रखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जब आपके पेपर में आएगा तो आपने कुछ नहीं लिखना बीच में, आपने सीधा यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या निकाले जा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला। तो मैंने आपको दो इक्वेशन लिखवाई, एक इक्वेशन नंबर वन लिखवाई, एक इक्वेशन नंबर थ्री लिखवाई। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, v1, तो आप इनमें से क्या एलिमिनेट करेंगे, v2। कैसे, जैसे ये देखो, यहां से इस इक्वेशन से आप v2 निकालें, v2 की वैल्यू आएगी u1 प्लस v1 माइनस u2, तो v2 आ गया। इस v2 को इस इक्वेशन में उठा के क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक, पहले देख लें एक बार। तो क्या किया मैंने, इसमें मैंने ये दो इक्वेशन लिखी, यहां से मैंने ये दो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर थ्री है, थर्ड इक्वेशन में से v2 एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इस v2 को इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास क्या आया, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये पुट कर दिया। फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद u1 u2 और u2 2u2 हो गया, ओपन कर दिया m1 को इससे, m1 को इससे, m2 को तीनों से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। क्या निकालना है, v1, तो v1 वाली टर्म को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म को लेफ्ट की तरफ ले गया, और v1 की वैल्यू निकालने के लिए m1 प्लस m2 को इन दोनों इक्वेशन से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये v1 का फॉर्मूला आ गया। आपने रफ कॉपी पे यही करना है। अब ये इक्वेशन आपको पता है 1, ये 3 पता है, तो आपने v2 को यहां पुट करना है अभी रफ कॉपी में और सॉल्व करके प्रूव करना है कि v1 इसके इक्वल आया। करो ट्राई, ट्राई करो, अपने हाथ से ट्राई करो, v2 को उठा के यहां पुट करो और सॉल्व करो, और v1 का ये फॉर्मूला प्लीज कैलकुलेट करो। तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, तो आप इसके पुट करें, पुट करके v1 वाली टर्म को एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, और ये v1 का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ड्राइव करने को आ सकता है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी v1 इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये v1 का फॉर्मूला आ गया।
उसी तरीके से एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी वी टू, अब फिर से सेम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन नंबर वन लिखें, इक्वेशन नंबर थ्री लिखें, इस बार थर्ड इक्वेशन में से क्या निकालना है, वी टू, तो वी वन को एलिमिनेट करें, तो एक काम करें वी वन की वैल्यू निकाल लें, यू टू प्लस वी टू माइनस यू वन, इस वी वन को उठा के यहां पुट करें, तो ये पुट कर लिया, ओपन करें, ओपन करके वी टू वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और एम वन प्लस एम टू को डिवाइड करें, वी टू का फॉर्मूला डराइव करें प्लीज, फिर से ये भी करें प्लीज एक बार, तो एक बार ये दो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन नंबर थ्री में से वी वन निकाल के यहां पुट करके चेक करें, आपके पास ये आंसर आना चाहिए वी टू, ट्राई करें प्लीज कॉपी में, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी इलास्टिक कोलिजन में ड्राइव की हुई थी, इक्वेशन वन एंड थ्री, तो यहां से वी वन को ऊपर पुट करें, सॉल्व करें, और वी टू वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो वी वन वी टू क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है, हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। तो अब हमने वी वन और वी टू के ये दो फॉर्मूलाज किए, फॉर्मूला बुकलेट में इन फॉर्मूलाज को अलग से नोट कर लें प्लीज़, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के दो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसमें नोट करें वी वन वी टू के ये फॉर्मूलाज, और इन लर्न भी करें प्लीज़ दो मिनट लगा के, क्योंकि आज न्यूमेरिकल में वी वन वी टू के फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। याद करने का तरीका देखो, ठीक है, ऐसे याद, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे इसको, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, मुझे सपोज किसकी वैल्यू लिखनी है, वी वन की, मुझे एक चीज़ पता है कि वी वन के अंदर दो टर्म्स आने वाली हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और इनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू, और यहाँ पर भी एम वन प्लस एम टू, तो चलो कम से कम डिनोमिनेटर तो याद हुआ हमें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब याद करने का दूसरा तरीका, क्या निकालना है, वी वन वी टू नहीं, वी वन यहाँ पर आएगा मास, देखो मासेस तो आने हैं यहाँ पे, और माइनस भी आना है मासेस का, अब प्रॉब्लम कन्फ्यूजन ही होती है कि एम वन में से एम टू माइनस करना है कि एम टू में से एम वन करना है, क्योंकि क्या निकालना है, वी वन स्टार्ट विद एम वन, वन वन ऑब्वियसली, फिर ये क्या आएगा एम टू, अब यहां कंफ्यूजन होती है कि यहां यू वन लगेगा कि यू टू लगेगा, ये क्या है वी वन, तो यहां पर लगेगा यू वन, वन वन वन,
ठीक, और क्योंकि ये यू टू की टर्म है तो ऑब्वियसली ये यू वन की टर्म है, ये किसकी टर्म है, यहाँ पे यू टू आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ यू टू आएगा तो यहाँ पर एम टू के साथ टू आएगा, एम टू यू टू एम टू। तो फिर देखो वी वन एम वन यू वन, तो ये फॉर्मूला तो तैयार हो गया, ये यू वन तो ये यू टू, ये टू तो ये एम के पास टू और ये भी टू, हो गया फॉर्मूला याद। और अगर वी वन याद हो गया वी टू में करना ही कुछ नहीं, जहां एम वन है वहां एम टू, जहां एम टू है वहां एम वन, ये लो रिप्लेस कर दिया सारा, जहां यू वन है वहां यू टू, ये क्या है एम वन, ये क्या है यू वन की जगह यू टू की जगह यू वन, ये लो बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला हो गया। नहीं तो ऐसे याद कर लो वी टू एम टू यू टू, यू टू तो यू वन तो एम वन, आंसर। तो दो फॉर्मूलाज कैसे याद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे भी याद करो लिखने आने चाहिए, बात ही खत्म। वो आप देखो कैसे याद करने हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अब इसमें ना एक स्पेशल केस भी है, ये भी देख लेते हैं। स्पेशल केस ये है कि अगर मास एम वन और एम टू, कौन सी कोलिजन चल रही है, परफेक्टली इलास्टिक वन डी में, परफेक्टली इलास्टिक वन डी में अगर इनकी टक्कर होती है और मास एम वन एम टू बराबर होते हैं, तो एम वन एम टू बराबर हैं, तो वी वन वी टू के फॉर्मूले में जहाँ एम वन एम टू है हर जगह एम 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 पुट कर दो, ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो, तो टू एम कैंसिल, टू एम कैंसिल, तो क्या बचेगा यू टू और यू वन, तो सारा कुछ कैंसिल होने के बाद बचेगा वी वन इज इक्वल टू यू टू एंड यू वी टू इज इक्वल टू यू वन। इसका मतलब समझो क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बॉल है एम वन मूविंग विद यू वन और एम टू मूविंग विद यू टू, आफ्टर कोलिजन एम वन की वेलोसिटी क्या हो गई वी वन और एम टू की वेलोसिटी क्या हो गई वी टू, तो अगर इनका मास बराबर है, तो अगर इनका मास बराबर है, मैं बराबर कर देता हूं, तो अगर इनका मास बराबर है एम 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 और एम, तो क्या फॉर्मूला है वी वन इज इक्वल टू यू टू, वी वन इज इक्वल टू यू टू और वी टू इज इक्वल टू यू वन। आपको ऐसा ही लग रहा कि वी टू यू वन बन गया और वी वन यू टू बन गया, तो वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं हो गई, ये यू टू इसको मिल गया और ये यू वन इसे मिल गया, तो वेलोसिटीज आपस में क्या हो गई एक्सचेंज हो गई है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एक शॉर्टकट याद रखेंगे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हर जगह नहीं चलेगा, बाकी कोलिजन में ये फॉर्मूला नहीं चलेंगे, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही चलेंगे, और ये शॉर्टकट भी अगर मास बराबर है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डी में ही चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, तो इसके अंदर अगर मास की वैल्यू बराबर है तो आपको क्या शॉर्टकट याद करना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डी के अंदर वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी आपस में एक्सचेंज या इंटरचेंज हो जाएंगी, शॉर्टकट सीधा याद करना है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी 10 और इसकी 5 है और मास इनका बराबर है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 और इसकी क्या हो जाएगी 10, तो शॉर्टकट याद रहेगा वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज करनी है अगर मास बराबर है तो। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अगर मान लो टक्कर से पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डी में मास बराबर है और ये हेड ऑन टक्कर मार रहे हैं 10 और 5 ऐसे, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी पूरा का पूरा वेक्टर एक्सचेंज होगा, ये पूरा वेक्टर इसे मिलेगा और ये पूरा वेक्टर इसे मिलेगा, तो यानी कि ये रिमाउंड हो जाएगी वापस विद द वेलोसिटी ऑफ 5 और ये वापस चली जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ 10, तो फिर से वेलोसिटी क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 10 है और ये रेस्ट पे है, मास बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है वन डी में, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अब ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये आगे मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 10, तो वेलोसिटीज क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट सीधा कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें?